ताले तक देवे तक ताले तक देवे तक ताला अंग तक देख तक था देगे न तक झूम तक तक था तक झूम तर तक थाई तक झूम तक तक झूम तक था ने प्रदर्शन कर दम तक झूम तक झूम तर था ने प्रदर्शन कर दम तक झूम तक झूम तर था ने प्रदर्शन कर दम मेरे दिल की कहानी अंजना देवी इस गुलदस्ते का हर एक फूल मैंने बड़े प्यार से बड़े बाकी आप खत में लिखकर भेज दीजिए। अंजना देवी आप इतना अच्छा नाचती हैं मगर आप फिल्मों क्यों नहीं कम करती? सच मानिए मैंने जिंदगी में इतना अच्छा नाच कभी अरे 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 अगर आप इतनी तारीफ करेंगे ना तो ये तो आप केस में गिरफ्तार है। जी जी अरे ओए भाई बाजू जाओ सेट आता है ओए बाजू जाओ ओए चलो जाओ घर पर चलो चलो जाओ बाजू चलो चलो जाओ ओए चाचा जी आप कहाँ चले गए थे? एक फिल्म प्रोड्यूसर आ गए। फिल्म प्रोड्यूसर? हाँ तुझे अपनी फिल्म में हीरोइन लेना चाहते हैं। लाख रुपए का ऑफर दे गए। लाख रुपए? हाँ। आदमी कैसे हैं? अच्छे हैं लेकिन उनकी बात में बिजनेस की बू ज्यादा आती है इसलिए मैंने तो साफ कह दिया कि अंजू कला की पुजारिन है सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करेंगे। आपने ठीक किया। चलो बेटा Thank you.
बहकी हुई अब की बरस है ये बात क्या, ओ घटा सावरी थोड़ी थोड़ी पावरी हो गई है बरसात क्या, हर सांस है बहकी हुई अब की बरस है ये बात क्या। पानी बरस रहा था इसलिए रुक गया। घर से छतरी लेके क्यों नहीं निकलते? आप क्या देख रहे हैं? आपको क्यों? क्योंकि आप मेरे सामने खड़ी हैं। लाइए दरवाजा खोल लेता हूँ। आप सच कह रहे हैं कि आप पानी की वजह से यहाँ रुक गए थे? नहीं, झूठ कह रहा हूँ। चाहिए किसी और से दरवाजा खुलाइए, मैं चला। ए, मिस्टर, जरा सुनिए। क्या है? अगर ऐसे जाइएगा तो गुस्सा तो ठंडा हो जाएगा लेकिन भीग जाइएगा। बला से भीग जाऊंगा, घर तो पहुंच जाऊंगा लेकिन आप सारी रात बाहर खड़ी रहेंगी और दरवाजा नहीं खुलेगा। ताकत कुछ नहीं, गुस्सा ढेर सा। क्या ख्याल है, दरवाजा खोल दूं? अगर आपसे हो सके तो। बहुत बुरी तरह जाम हो गया। कोशिश कीजिए जोर से और जोर से। Oh!
जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आपका चेहरा क्या उतरा हुआ? वो कंबख्त दरवाजा वाकई जैम हो गया था। लेकिन इस वक्त तो आप जैम हो रहे हैं, कुछ नहीं हुआ तो उठते क्यों नहीं? उठे ना जी, उठ रहा हूँ, उठना तो पड़ेगा ही। ये देखिए, उठ रहा हूँ। देखिए कुछ भी तो नहीं हुआ। फिर आप लंगड़ा के क्यों चल रहे हैं? कौन लंगड़ा के चल रहा है? ठीक है तो चल रहा हूँ। देखिए आप बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है, लगता है किसी इंग्लिश डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओए माँ, क्या हुआ? आप हंसती क्यों हैं? आपकी पतलून। मेरी पतलून? टेरेलिन की है। फट गई है। नहीं तो, बिल्कुल नहीं फटी। आप कमाल करती हैं। कमाल तो आप कर रहे हैं, चोट लग गई है, पतलून फट गई है, नहीं नहीं किया जा रहा है। कम से कम आइडिया तो समझ लीजिए ना। आप अजीब लड़की हैं, मुश्किल से दरवाजा खोला, शुक्रिया तो अदा नहीं करती, ढूंढ ढूंढ के देख रही है मेरी पतलून कहाँ फटी, मुझे चोट कहाँ लगी, और ऊपर से कह रही है कि आइडेक्स मल लीजिए। मैं चला। देखिए ये बात, ये है बात, बात कुछ नहीं है, मोस्ट अनग्रेटफुल गर्ल। सुनिए, मुझे सुनना उनना कुछ नहीं है। गुड नाइट, गुड नाइट। अरे भीगने की क्या जरूरत थी, पानी बरस रहा था तो थोड़ी देर कहीं ठहर जाते। लंगड़ा भी रहे हो, पतलून भी फटी है, किसी से मारपीट की है क्या? कोट, कोट क्या हुआ? ओह भूल गया, भूल गए। कमाल है, माँ जी कपड़े गरीबों को बांट देती है और तुम कोट भूल आते हो। कहाँ भूला है? लड़की, लड़की, तुम किसी लड़की के चक्कर में आओ? देखो भैया, माँ जी ने तुम्हारी देखभाल के लिए मुझे यहाँ भेजा है, मैं तो जाकर उन्हें सब कुछ कर दूंगा। हाँ वो बातें ही करता रहेगा, ये नहीं पूछेगा कि खाना खाना है कि नहीं। ये बहुत भूख लगी, खाना खिला रहे। भूख लगी पहले क्यों नहीं बताया? बैठो, मैं अभी ला रहा हूं, अभी ला रहा हूं। क्या कर रहे हो शिखर? जी मैं फास्फेट टेस्ट कर रहा हूँ, अमोनियम मोलिब्डेट एंड स्टेनिस क्लोराइड के साथ। ठीक है, इसकी डेंसिटी क्लोरोमीटर में चेक करो। Optical density is 0.02. 0.02? Wonderful. Very good. सब नाश्ता। देखो शिखर, अगर खाद अच्छी हो तो जमीन की ताकत खुद ब खुद बढ़ जाती है, और उसमें जो भी अनाज होगा उसमें फूड वैल्यू ज्यादा होगी, लोगों की सेहत अच्छी होगी। अनुपम आप अपनी सेहत का तो ख्याल रखो, पहले नाश्ता कर लो। ओहो, देख रहे हो मैं खास एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तुम्हें नाश्ते की पड़ी हुई है? तो ठीक है, मत करो नाश्ता, भूखे रह रहे कि आप बीमार पड़ जाना, फिर मैं आपको छोड़ के आपके गाँव को चला जाऊंगा। देखा देखा, ये मुझे धमकी दे रहा है। सर रघु ठीक कह रहा है, नाश्ता कर लीजिए। सर हाथ तो धो लीजिए। सर कल जो फर्टिलाइजर सैंपल आया था, मैंने उसका एनपीके टेस्ट लिया। देखो शेखर, खाने के वक्त काम की कोई बात नहीं, खाना आदमी को शांति और मजा लेके खाना चाहिए, समझे? सर ये बात तो ठीक है, लेकिन मैं जो नया एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, जानता हूँ जब आदमी को काम का जोश होता है तो खाना पीना नहाना सब भूल जाता है। अपनी सेहत का ख्याल नहीं करोगे तो काम कैसे करोगे? बैठो बैठो बैठो। माँ कैसी है? जी ठीक है। योर मदर इज अ ग्रेट लेडी। जी आज मैं जो भी कुछ हूँ ये उन्हीं का आशीर्वाद है। शेखर, दिस एप्पल हैज नो न्यूट्रिशन वैल्यू। यस सर, इसमें पोटाश कम है। इट्स अ क्लियर केस ऑफ यूजिंग फॉल्टी फर्टिलाइजर। सर आई थिंक इट इज ड्यू टू इंसेक्ट्स, नॉट फॉल्टी फर्टिलाइजर। क्या पागलों जैसी बात कर रहे हो, पोटाश कम होगा तो इंसेक्ट अपने आप अटैक करेंगे। Sir, it is basically due to insects. I'm sure. How you can be sure? Shekhar, तुम एक साइंटिस्ट हो, केमिस्ट हो, बिना प्रॉपर टेस्ट के तुम कैसे श्योर हो सकते हो? नो, चलो हम टेस्ट करें। आओ। वल्ल्य, फिर चले गए।
सर कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ है पहला ये घुलने वाला मसाला नहीं है। यस डॉक्टर निरंजन दास। हाँ क्या चाहिए? कुछ नहीं, मुझे आपसे नहीं मिलना है। वेरी गुड, नहीं मिला तो यहाँ क्यों आई हो? जी ये मुझसे मिलने आई सर। डॉक्टर निरंजन दास तुम हो या मैं? आप हैं, ये आपके नाम से मुझे तलाश कर रही हूँ। मेरे नाम से तुम्हें तलाश कर रही हूँ? तुम एमोनिया के नाम से क्लोरीन डाल सकते हो? क्यों तुम यहाँ क्यों आई हो? कोट देने आई हूँ। कोट का मैं क्या करूँगा? अरे ये कोट तो शेखर का है। जी हाँ उन्हीं का है। तुम्हारे पास कैसे आया? जी मैं ये इनके घर भूला है। इनके घर भूला है क्यों? कल पानी बहुत बरस रहा था। लेकिन कोट तो तुम्हारा बिल्कुल सूखा है। देखो शेखर दफ्तर के बाद तुम सीधे घर क्यों नहीं जाते हो? रास्ते में पानी में क्यों भीगते हो? जी मेरे घर का दरवाजा जाम हो गया था। दरवाजा जाम हो गया था? तुम शेखर घर से आती हो? कल रात से। कल रात से? सर 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 आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको सब कुछ बताऊं। शट अप, तुम अपना काम करो जाओ और तुम मेरे साथ आओ। शेखर बाबू आपने पहले कभी नहीं बताया कि अन्ना देवी से आपकी जान पहचान है। क्या बात है, आज पहली बार अन्ना देवी को विदाउट मेकअप देख रहा हूँ। कसम से जिंदगी के सारे सपने पूरे। तो ये बात है, बरसात की वजह से दरवाजा जाम हो गया और वो गुस्से में कोट भूल गए, तो ये कोट बन गया कैटालिटिक एजेंट। कैटालिटिक एजेंट? नहीं समझी, कैटालिटिक एजेंट उससे कहते हैं जो रिएक्शन में हेल्प करे और खुद वैसे का वैसे ही रह जाए। जैसे शेखर और तुम दोनों में बराबर असर हुआ और ये कोट वैसे का वैसे ही रहेगा। जी ऐसी कोई बात नहीं है। जरूर है। देखो मैंने शादी नहीं की लेकिन मैं समझता सब कुछ। सुनो ये शेखर है ना बिल्कुल पागल। नहीं। हाँ बिल्कुल पागल। वो तो अच्छा हुआ दरवाजा खुल गया तो मैं जान बच गई, नहीं तो अपने हाथ पांव तोड़ डालता। जी तोड़ा था। हाँ तोड़ा होगा, जरूर तोड़ा होगा। मैंने कहा ना बिल्कुल पागल, हाईली एजुकेटेड, एमएससी फर्स्ट क्लास फर्स्ट, अगर अमेरिका जाए तो लाखों रुपए कमा सकता है, लेकिन मुझे छोड़कर नहीं जाता, इसलिए मैं भी उसे बहुत चाहता हूँ। तुम्हें भी पागल लोग पसंद है? जी मुझे बहुत देर होगी, जल्दी घर जाना है। तो जाओ ना। उनका कोट? शेखर वो तुम्हें घर छोड़ देगा। मैं चली जाऊंगी, मेरे पास कार है। शेखर ये अपना कोट ले लो और कल्पना को घर छोड़ो। कल्पना? ये अंजना है जी। कोई फर्क नहीं पड़ता, जाओ इनके साथ छोड़ के आ जाओ। जाओ जाओ। गुड गर्ल। कितनी सौम्य मूर्ति है। अच्छा आपको अपनी माँ के बारे में कुछ भी याद नहीं? नहीं उस वक्त मैं बहुत छोटी थी शेखर बाबू। माँ की इस तस्वीर ने माँ की जगह ले ली। मैं माँ से कहे बिना कोई भी काम नहीं करती। ये तो बहुत अच्छी बात है, माँ को प्यार करने का ये रूप मैंने और कहीं नहीं देखा। ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। जानती हैं आपकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज यही है शायद। शेखर बाबू आपकी माँ है? माँ? मेरी तो माँ ही है। आपको बहुत चाहती है? हाँ नहीं मेरा मतलब है कि वो सबको बहुत चाहती हैं। नौकर चाकर पास पड़ोसी गाय भैंस। गाय भैंस? हाँ दरअसल माँ से मिले बिना उन्हें समझना बहुत मुश्किल है। तो ले चलिए ना उनके पास। वो यहाँ नहीं रहती हैं, गांव रहती हैं। जब मैं गांव जाऊंगा तो आपको भी साथ ले चलूंगा। चलेंगी ना? जरूर, अगर आप ले चलेंगे तो जरूर चलूंगी। हाँ ठीक है, गाड़ी का बंदोबस्त मैं कर लूंगा। अच्छा मैं चलता हूँ। नमस्ते माँ। तुम्हें शेखर बाबू कैसे लगे? तुम्हें तो सभी लोग अच्छे लगते हैं। सर आज मुझे आपकी गाड़ी चाहिए। क्यों? मुझे माँ से मिलने का। माँ से मिलने के लिए इससे पहले तुमने कभी गाड़ी नहीं मांगी? आज मैं अकेले नहीं जा रहा। फिर कौन जा रहा? वो सर वो कल्पना। नहीं नहीं अंजना। कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्यों? सर बात यह है कि अंजना की माँ नहीं है, इसलिए वो मेरी माँ से मिलना चाहती है। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी माँ नहीं है, तो सबको माँ के पास ले जाओगे? पहले कभी किसी ने कहा ही नहीं,
अंजना ने कहा। अंजना ने पहले कहा या तुमने? याद नहीं आ रहा सर, शायद शायद दोनों ने कहा। अंजना जी, कितनी देर से हॉर्न बजा रहा हूँ, आप सुनती ही नहीं, कमाल है। हॉर्न की आवाज तो सुनी थी, लेकिन लेकिन क्या? मुझे ये कैसे मालूम हो कि हॉर्न आप ही बजा रहे हैं और वो भी मेरे लिए? तो और किसके लिए बजा रहा हूँ? मेरा कोई दिमाग खराब हो गया तो खाम का हॉर्न बजाता रहूं? बैटरी खराब नहीं हो जाएगी? चलिए जल्दी से तैयार हो लीजिए। क्यों? मुझे कार मिल गई है, चलने के लिए तैयार हो लीजिए, देर करने से देर हो जाएगी। आप मुंह क्या देख रही हैं? आपको सामान भी रख लीजिए, रात को वहीं रहना होगा। आप अजीब आदमी हैं, गाड़ी आपको मिली है और चलना मुझे पड़ेगा? अजीब आदमी मैं हूँ या आप हैं? ये आपने कैसे सोच लिया कि आप गाड़ी लेकर आएंगे तो मैं आपके साथ चली जाऊंगी और रात में ठहर भी जाऊंगी? आपका मतलब क्या है? मतलब मतलब यानी कि जब मैं कार का बंदोबस्त कर चुका, आप मुझसे मतलब पूछ रही हैं? आपने नहीं कहा था कि माँ से मिलने के लिए चलेंगी? ओहो, तो आप ऐसा कहिए ना, आप तो अजीब तरह की बातें करने लगते हैं। यही तो गड़बड़ है, मैं संभाल के बात नहीं कर सकता। अच्छा हुआ आप समझ गई, नहीं तो आपका मेरा झगड़ा हो जाता। अच्छा आप दर्शित रखिए, मैं अभी आई। माँ शायद पूजा कर रही हैं, आप ठहरी, मैं आपके लिए साड़ी लेकर आया हूँ। साड़ी मेरे बैग में है, आपने कहा ना रात को यहाँ ठहरना होगा। बैग खुलेगा तब देखा जाएगा, अभी माँ को भीगी हुई देखेगी तो मुझे बिगड़ जाएंगे। आप ठहरी, मैं भी आता हूँ। तुम कौन हो? अंजना। शेखर के साथ आई हो? लेकिन वो बंदर कहाँ है? जी मेरा मतलब है शेखर, वो अंदर गए हैं। अच्छा ये लो प्रसाद। हाथ क्यों साफ कर रही है? मैं खिला देती हूँ, मुँह खोलो, खोलो मुँह। तुम्हारे? अरे मैं तो यही थी, अच्छा हुआ कि तू आ गया। माँ ये अंजना जी हैं। मैं मिल चुकी हूँ, ये लो प्रसाद। ओहो रहा बंदर का बंदर। झुक झुक दियो, इसके कपड़े तो बदलवा दिए होते, भीगी खड़ी है। मैं कपड़े तो ढूंढ रहा हूँ, लेकिन घर में कपड़े हैं कहाँ, तभी तो बांध देती हूँ। ओहो तुझे कपड़े कहाँ से मिलेंगे? चलो। अरे हाँ तू भी तो कपड़े बदल ले, चल जा। माँ यार बिल्कुल देहाती आइटम लग रही है। क्यों रे, मैं जब एक कपड़े पहनती देहात नहीं लगते थे? अरे नहीं माँ, तुम्हारी बात और है। और क्यों है? माँ मुझसे ज्यादा खूबसूरत है इसलिए? नहीं खूबसूरत तो खैर बोलता क्यों नहीं, अंजना मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। हाँ नहीं माँ, मेरा मतलब है कि माँ तुम माँ लगती हो और अंजू यानी कि अंजना जी। हाँ, अंजना जी क्या लगती है? माँ इसमें लगने की क्या बात है, अंजू अंजू लगती है। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, जब आप हंसती हैं मैं नर्वस हो जाता हूँ। देखो माँ मैं शहर से तुम्हारे लिए बढ़िया शाल लाया हूँ। अरे ये तो बड़ी खूबसूरत है रे, एक काम कर बेटे, ये शाल तू अपनी अचला चाची को दे दे, उसके पास कोई गर्म कपड़ा नहीं। माँ माँ पिछली बार जब मैं साड़ी लाया था तो मासी को दे दी, इस बार जब मैं शाल लाया हूँ तो चाची। तो क्या हुआ तेरी चाची मासी के पास कुछ ना हो, मैं पहनती अच्छी लगूंगी क्या? अच्छा माँ एक बात बता दो, शाल हो या साड़ी हो मैं कितनी लाऊं ताकि एक मेरी माँ भी पहन सके? नहीं माँ ये शाल आप ही को पहनना है, ये आप पे बहुत अच्छी लगती है। ये क्या? हाँ माँ Thank you.
कब आई बेटी? नींद खुल गई क्या? आपका गीत सुनकर आंख खुल गई। देखा तो सुबह हो गई थी, मैंने ऐसी सुबह कभी नहीं देखी। शहर में ऐसी सुबह कहाँ। चलो मैं तुम्हें चाय बना देती हूँ, आओ। माँ, क्या बात है, बोलती क्यों नहीं? कुछ नहीं, माँ कहने को जी जा रहा था। पगली कहीं की। माँ, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं। पिताजी से सुना था कि माँ मुझे बहुत चाहती थी। आपके प्यार से पता चला कि माँ मुझे कितना चाहती होंगी। आज तक मैंने जिंदगी में कितना खोया है। रोते नहीं, तुम्हारा माँ कहने को जी चाहता है ना, मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ। चलो। ये चाय और शक्कर का डिब्बा ले लो। और देख वहां से जरा आटे का डिब्बा ले आना। ये? हाँ, अब जरा आटा गूंद। मैं गूंदू? नहीं तो क्या मैं गूंदूंगी? तुम थोड़ी सी पूरियां बना लो, मैं काली को देख कर आती हूँ। काली कौन है? वो आवाज सुन रही है ना, थोड़ी सी देर हो जाती है तो मुझे इसी तरह पुकार लेती है। गुड मॉर्निंग। कहिए कैसा लगा हमारा गांव? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सबसे अच्छा क्या लगा? माँ, शेखर बाबू आप इस बात में मेरे गुरु हैं। किस बात में? अगर आप यहाँ नहीं लाते तो माँ का प्यार कैसे मिलता? हे मेम साहब, आप हमारी माँ को छीनने की कोशिश कर रही हैं। माँ को कौन छीन सकता है, माँ का दिल बहुत बड़ा है। आपने सच कहा, माँ के जैसा दिल किसका हो सकता है। अरे आपको नहीं मालूम, माँ बहुत अच्छा गाती थी। अच्छा? हाँ, लेकिन अब सब छोड़ दिया। क्यों? मेरे लिए। अरे तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? माँ ये कह रहे थे कि आप बहुत अच्छा गाती थी। कौन कह रहा था ये? मैं। वो तो शादी से पहले। लेकिन आपने शादी के बाद गाना क्यों छोड़ दिया? छोड़ना पड़ता है क्योंकि संगीत के लिए बहुत साधना करनी पड़ती है, और फिर गृहस्थी जीवन में आने के बाद इतना समय कहाँ। आपको संगीत छोड़ते हुए दुख नहीं हुआ? पहले कुछ हुआ था, लेकिन शेखर के पैदा होने के बाद इसके हंसने और रोने में मुझे सातों सुर वापस मिल गए। देखा कितना कंट्रोल था, सातों सुरों में हंसता रोता था। आप इनको चुप कराने के लिए क्या गाती थी? क्या गाती थी सुनाइए ना। हाँ सुनाओ माँ, सुनाओ। क्या सुनाऊँ? देखो माँ, अगर आप नहीं सुनाएंगी तो फिर मैं शुरू हो जाऊंगा सातों सुरों में। शुरू हो जाइए। क्या रोना? अगर आप रोएंगे तो माँ गाएंगे। किसी बात करती हो? ओ, 8 बज गए। अच्छा माँ, मैं तैयार होता हूँ, आप नाश्ता तैयार करिए। अच्छा, आपको भी तैयार होना। माँ अब मैं चलूं? जी दिया, सिर्फ 2 दिन के लिए आई, मैं तुझे ठीक से प्यार भी नहीं कर सकी। माँ मुझे जिंदगी में इतना प्यार कभी नहीं मिला। अकेला आदमी बहुत दुखी होता है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन माँ अब मुझे कोई दुख नहीं है। जब भी मेरा जी घबराएगा तो मैं भाग के माँ के पास आ जाऊंगी। अच्छा माँ, वहाँ तो सुबह ऐसी होती है, क्या बताऊँ, नींद टूटती है जैसे नशा टूटता है, लगता है कानों में कोई रस घोल रहा है। मेरा तो आने का जी नहीं चाह रहा था, बहुत दिल लग गया। जरूर लग गया होगा,
दिल का क्या भरोसा, लग गया तो लग गया। घर कैसा है? छोटा सा घर है मगर ढंग का बना हुआ, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं। हाँ, कैसे हो सकती है। माँ कैसी? माँ, माँ माँ तो बिल्कुल माँ है। और वो कौन? अरे वही मिस्टर समरसॉल्ट। ये कबाब में हड्डी कौन है? कौन है रत्ती? कबाब में मसाला है। आई 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 नमस्ते। साड़ी माँ ने गलती से सामान में रख दी थी, उसे वापस करने के लिए आए। जी जी, कहने की क्या जरूरत है? मालूम है कि आप सिर्फ साड़ी ही देने आए हैं और कोई मतलब नहीं है। देखिए जी। नहीं, मैं जरा जल्दी में। जी मालूम है आपको बहुत जल्दी है, लेकिन इतनी जल्दी भी मत कीजिए। जी जब आ गए तो बैठ जाइए ना प्लीज। शुक्र है किसी की बात तो माना। खाइए। जी नहीं शुक्रिया। थोड़ा लेना पड़ेगा। देखिए आपको मेरी जान की कसम। अच्छा इनकी जान की कसम। नजर कुछ बदली हुई दिखाई दे रही है। बहुत बन ठन के आए हैं। कोट अलग, पतलून अलग। जी क्या? कुछ नहीं, कह रहे थे कि आपकी पतलून। जी क्या, वो नहीं पतलून को? कुछ नहीं, बहुत अच्छी है। टाई वाई देख रही हो? क्या शानदार ग्रह लगाई है। पल्लू में नहीं, गर्दन में सही। क्या? आपकी टाई की तारीफ कर रही थी, बहुत अच्छी है। ये मेरे दोस्त ये फर फुर मत कीजिए, साफ साफ कहिए ना। फर्नांडिस, मेरे दोस्त फर्नांडिस ने दी है। अच्छा अच्छा, वो मिस्टर फर्नांडिस। हाँ वही तो मैं सोच रही। क्या ये आप लोग गुपचुप बातें क्या कर रही हैं? साफ साफ कहिए ना। देखिए बात ये है भाई, देखिए ना, ये हम लड़कियों की बातें आपको नहीं बता सकते। देखिए शेखर बाबू, आपको जल्दी है ना? हाँ आप बैठिए, मुझे कोई जल्दी नहीं, मैं चली। हाँ बाय बाय। आपकी सहेली बातें तो बहुत करती है। नहीं, बहुत अच्छी लड़की है। शेखर बाबू, परसों रात को आप क्या कर रहे हैं? वही जो रोज करता हूँ। क्या कुछ काम था? दिन में सोच रही थी। क्या? परसों रात को हम लोगों का शो है, अगर आप आ सकें तो मुझे बड़ी खुशी होगी। पायल वाली रुक्मही न हो बहुत मगरू, मूरख है जो चल पड़े अपनी हद से दूर। कैसे रुके जो चल पड़ी तुम्हारी लगन में चूर, प्यार की कोई हद सरकार हजूर। मुझ पर तेरे रूप का जादू है बेकार, काम है तेरा नाचना, नाच भरे दरबार। जिस पर घुंघरू बांध के नाचेगा मेरा प्यार, राजन रख दोगे मेरे पग में उतार। ओ, 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 ओ,
थैंक यू। आज मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हारा नृत्य तुम्हारा अभिनय लोगों को बहुत पसंद आया। सब आप ही का आशीर्वाद है चाचा जी, आप मेरे गुरु हैं, माता पिता भी। भगवान से प्रार्थना करता हूँ तुम और उन्नति करो। आइए ना, शर्मा रहे। अरे मम्मी जी लल्लू, आहा छा गई सच्ची, तेरा नाच था जैसे जादू। अरे तेरे नाच के साथ साथ दिल नाच रहा था, दिमाग नाच रहा था, और भी कोई नाच रहा था। वाकई आपका काम बहुत अच्छा लगा, वंडरफुल परफॉर्मेंस। वंडरफुल परफॉर्मेंस। इन महाशय की वजह से आज मैं तेरा डांस ठीक से नहीं देख सकी मालूम। और जब तू आगे जाती थी तो ये भी आगे जाते थे, जब तू पीछे आती थी तो ये भी पीछे आते थे, और जब तू चक्कर खाकर गिर पड़ी ना तो जी मैं सचमुच डर गया था। अरे बाबा आप डर गई थी, मैं डर गई थी। ये महाशय तो कूद काट कर स्टेज पे पहुंचने वाले थे मालूम, बड़ी मुश्किल से इन्हें रोका। ये क्या समझे तू सचमुच गई? मैं क्या पागल था? मैं तो आप भी क्या ले हुए थे, रति तो यूं ही मजाक कर रही है। सच बताइए आपको मेरा डांस कैसा लगा? अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन ये लोग इतनी बदतमीजी क्यों करते हैं? दुनिया में सभी तरह के लोग होते हैं शेखर बाबू। सारी रात यहीं ठहरने का प्रोग्राम है। अरे वही नहीं, कपड़े बदलने हैं। ओ आई एम सॉरी। नमस्ते। नमस्ते। माँ जी, वो बंदर कहाँ है? कौन? शेखर बाबू, मैं अकेले आई हूँ। उसको भी बता दिया होता, आज छुट्टी का दिन है, वो भी साथ चला आता। कौन जाएगा उस पागलखाने में पूछने को? पागलखाना? और नहीं तो क्या, शेखर बाबू और प्रोफेसर साहब जब दोनों लेबोरेटरी में काम करते हैं तो बिल्कुल पागल लगते हैं। बड़े शरीर है, मेरे लड़के को पागल कहते हैं। माँ मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने का है? सुबह से नाश्ता तक नहीं किया। अजीब लड़की है, माँ से मिलने के लिए भूखी प्यास से चली आई। अरे घर से कुछ खा के निकलना चाहिए समझे। माँ के पास आ रही थी तो सोचा माँ के हाथ का खाना खा लूंगी। अच्छा बता तुम क्या खाओगे? जो भी आप खिला दो। तो जाकर हाथ मुँह दो, मैं बुलाती हूँ। खराब हो गई, पांव का दर्द बढ़ गया होगा। लाओ बांध देता हूँ। अच्छा लग रहा? अरे माँ आज अंजना नहीं आई, मैं उसे लेने के लिए घर गया, घर पे भी नहीं मिली, ना जाने कहाँ नाच रही थी। अरे हाँ मैं तुम्हें बताना भूल गया, अंजना नाचती भी है, बहुत अच्छा नाचती है, कभी मौका मिला तुम्हें नाच दिखाऊंगा इसका। वैसे वैसे अंजना है बहुत अच्छी लड़की है ना। माँ माँ कितने दिन हो गए तुमने मुझसे प्यार नहीं किया। माँ आप को शर्म नहीं आती? आप उसे पांव दबा रही थी। मैंने क्या कहा था? ठहरो माँ को बताता हूँ। ये बात कोई माँ से कहने की है? हाँ है, मैं माँ से कोई बात नहीं छुपाता। माँ अरे शेखर तू कब आया रे? माँ बहुत देर हुई। माँ तुम्हारी तबीयत कैसी है? मेरा मतलब है तुम्हारे पाँव का दर्द कैसा है? पाँव का दर्द? हाँ मेरे पाँव को क्या हुआ? माँ तुम मंदिर गई थी, थक वक गई होंगी, तुम्हें कम्बल ओढ़ कर लेट जाना चाहिए। मगर अरे तुझे क्या हुआ? कुछ नहीं, हाथ खुजा रहा था। हाँ माँ माँ बैठो बैठो ना, मैं बताता हूँ ना क्या हो रहा है, बैठो ना। माँ वो चूल्हे पे मेरी रोटी जल जाएगी। आप बड़े वो हैं, जितने भोले नजर आते हैं उतने ही। उतने ही क्या? कुछ नहीं। देखो अगर आप चाहते हैं कि मैं माँ से ना कहूँ तो मेरे भी पांव दबाइए, मैं लेट जाता हूँ। लेकिन ये कैसे हो सकता है? वैसे ही जैसे मुझसे गलती से हो गया। लेकिन देखिए अगर आप शर्मा रही है तो मैं कंबल ओढ़ लेता हूँ। ऐसे नहीं चलेगा, पांव दबाकर माफी मांगनी पड़ेगी। ए, मा, 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 मा,
आज तो आपने सारा गांव देख लिया। अब मंदिर कैसा लगा आपको? शेर यहाँ कैसे आएगा? ये शेर तो नहीं लगता। मैं शेर नहीं हूँ माजी, मैं नासिर हुसैन बहुरूपिया हूँ। बिटिया रानी डर गई थी ना, मैं भी देख के डर गया था। बाबा नासिर हुसैन साहब बहुत बहादुर हैं आप, शेरों के एक लड़की से डर गए? जी, पापी पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है। अच्छा अच्छा, ये लो पापी पेट के लिए। शुक्रिया। अच्छा तमाम, मैं कुछ सीधा देती हूँ। देखिए कैसा बचपना हो गया मुझसे, मैं तो इतनी डर गई थी कि आपसे लिपट गई। आपको बहुत बुरा लगा होगा। नहीं, इसमें बुरा लगने की क्या बात है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। नहीं, मेरा मतलब है कि अंजना, क्या बात है? देखे ना वो, मगर शेखर इस तरह भाग क्यों गया? जी, एक बात पूछूं, माँ की नजरों से भी कहीं बच्चों के दिल की बात छुप सकती है? माँ, अंजू, मुझे भी बेटी का बहुत चाव था, भगवान ने मुझे बेटी नहीं दी। सोचा शेखर बड़ा होगा तो बहू लाकर बेटी का चाव पूरा कर दूंगी, मगर जब तुझे देखा तो ऐसा लगा कि मैं तेरे रूप में अपना जीता जागता सपना देख रही हूं। अंजू, शिखर तुझे पसंद है ना? माँ, अंजू जीते रहो बेटा। शेखर, बचपन में ही अंजू की माता का देहांत हो गया, फिर उसके कुछ ही साल बाद इसके पिता भी नहीं रहे। मुझसे जो कुछ हो सका इसको पढ़ाया सिखाया, फिर भी अगर कोई कमी रह गई हो तो मेरी नम्र निवेदन है कि अपने विशाल हृदय से इसे क्षमा करें। ये आप क्या कह रहे हैं चाचा जी, आप सिर्फ अंजू के नहीं मेरे भी बुजुर्ग हैं। भगवान तुम्हारा मंगल। शेखर, कल्पना, शादी मुबारक हो। कांग्रेचुलेशन। सर वो कल्पना नहीं, अंजना। कोई फर्क नहीं पड़ता। सर मैं दो दिन और नहीं आऊंगा। दो दिन? What nonsense? तुम 15 दिन नहीं आओगे? I don't want to see your face. कश्मीर का नाम सुना है? जी हाँ सुना है, बहुत खूबसूरत जगह। वो तो है, मगर वहाँ एक आलिशान होटल भी है, ओबेरॉय पैलेस। मैंने तुम दोनों के लिए एक रूम रिजर्व करा दिया है। ये रहे प्लेन के टिकट। Enjoy your honeymoon in Kashmir. Thank you, sir. औरतों के लिए ऐसा नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? शेखर, भगवान ने मुझे बहुत सारे सुख दिए हैं, लेकिन मेरा सबसे बड़ा सुख तुम हो। तुम्हारी बाहों में, तुम्हारी नजरों के सामने मैं इस दुनिया से जा सकूं, बस यही मेरी सबसे बड़ी प्रार्थना है। और मेरा क्या होगा जी? नहीं साहब, हम तो साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। एक बात पूछूं अंजू,
तुम खुश तो हो ना? मुझे डर था स्टेज छोड़कर हम लोगों के यहाँ शायद तुम सुखी ना हो सकोगी। चाचा जी ने भी यही कहा था, मेरी सहेली ने तो मना भी किया था। शिखर सच पूछो तो मुझे भी मालूम नहीं था कि तुम्हें और माँ को पाने के बाद मुझे इतना सुख इतना आनंद मिलेगा। अंजू तुमने तो मेरी काया पलट दी। मैं एक साइंटिस्ट, लेबोरेटरी के बाद कोई जिंदगी नहीं थी। जानती हो मैं तो किसी लड़की को देख भी नहीं सकता था। अच्छा जी, और अब दूसरी लड़की में तो नहीं पता, लेकिन इस लड़की के बिना तो पल भी नहीं रह सकता। शेखर तुम मुझे बहुत चाहते हो ना? हाँ। मेरी एक बात मानोगे? जरूर। मेरी कसम? तुम्हारी कसम। मेरी सर की कसम? तुम्हारे सर की कसम। तीन बार बोलो। तुम्हारे सर की कसम, तुम्हारे सर की कसम, तुम्हारे सर की कसम। सुनो इम्पॉसिबल, मुझसे नहीं होगा। देखो तुमने मेरी सर की कसम खाई है। जो मुझे नहीं आता मैं सिखा दूंगी। हाँ, एक दिन में कोई सीख सकता है क्या? हाँ, तुम कोशिश तो करो। देखो तुमने मेरी सर की कसम खाई है, अगर मैं मर गई तो। अंजू मुझे गाना नहीं आता, मैं कैसे गाऊं? माँ इतना अच्छा गाती है, तुम्हारे लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। नहीं सुनो तो सही, मैं सिखा दूंगी। बैठो। बोलो। हंसो मत, बोलो। सा रे रे गा गा मा 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 पा 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 पा।
अपना भी हाल तेरे जैसा है, क्या करें हम भी मौसम ऐसा है, अपना भी हाल तेरे जैसा है, क्या करें हम भी मौसम ऐसा है, हम पागल से मरे मां फिरते हैं, अरे लेके तेरा ढंग तेरे साजना, सारे गम प प प प प प प मरे, अरे गा रहे हैं संग तेरे साजना, सारे गम प प प प प प प मरे, सारे मेरे संग मेरे साजना, अरे गा रहे हैं संग तेरे साजना। सोने दो, तुम सोनो, मेरा हाथ तो छोड़ो। हाथ छोड़ूंगा तो आंख खुल जाएगी। तुम बहुत तंग करते हो। पेपर वाला पहले मैं पढ़ूंगा। लेडीज फर्स्ट। हस्बैंड फर्स्ट। मुझे आपसे जाना, तुम दोपहर को पढ़ लेना। तुम रात को पढ़ लेना, मुझे घर का काम करना है। It depends on Nixon. Chaucer is right for two days. Russian air for two days denied. Indian Navy. Malaysia. Free clear area for Asia. Chances to. Higher rail plans bill introduced. वो क्या देख रहे हैं? पढ़िए ना। पढ़ी तो रहा हूं। क्या न्यूज? न्यूज क्या मेरे चेहरे में? इस चेहरे पर दुनिया भर की खबरें छपी हुई दिखाई दे रही हैं। बाजार का भाव, मौसम का हाल, आंखों में असेंबली की रिपोर्ट, हंसी में कश्मीर की खबरें, चढ़ते हुए तेवर में अदालत के फैसले, गर्दन के झटके में यह ऐलान, कभी कंट्रोल हटने वाला नहीं। तो इसका मतलब यह है कि मैं अंजना नहीं बल्कि न्यूज पेपर हूँ। न्यूज़पेपर में इतनी खबरें कहाँ होती? क्या हुआ अंजू? अंजू तुमने मुझे बेकार कर दिया। पहले मैं कितना काम करता था, सुबह से शाम तक सारे एक्सपेरिमेंट्स, कोटेशंस, नोट्स अकेले कर लेता था, और अब सुबह से शाम तक वह हिसाब की डांट खाता रहता हूँ। क्यों? इश्क ने खालिद ने कमा कर दिया, वरना हम भी थे आदमी काम के। मेरी समझ में नहीं आता, आप साइंटिस्ट होके कविता के पुजारी कैसे हो गए? अरे मैं क्या, दो तीन दिन लगातार तुम्हें देखने के बाद कोई भी महाकवि कालिदास हो सकता है। तो फिर देर किस बात की है? शकुंतला लिखना शुरू कर दीजिए ना कवि कालिदास जी, लेकिन पहले ये दरवाजा खोल दीजिए प्लीज, आइए ना।
जरा जल्दी। प्लीज हम लोग टेबल पर। हाँ जी जी, वो तो मैंने देख लिया। ओ वाह 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 वाह, क्या रोमांटिक ढंग था, क्या दिलचस्प अंदाज था। वाह वाह, यकीन मानिए शिखर बाबू, मैंने उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, बंगाली, गुजराती, यानी कि 13 जबानों में लोगों को टेबल पट्टे देखा, लेकिन इस तरह नो 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 वर्ल्ड में किसी को नहीं देखा। यानी कि पेपर वहां पड़ा था, आप लोग यहाँ पड़े थे और यही से पेपर पढ़ रहे हैं। वाह वाह वाह, मुझे देर हो रही है, ऑफिस जाना है। आप लोग बातचीत कीजिए, मैं तैयार होकर आता हूँ। अंजू, ये महाशय कुछ काम वाम भी करते हैं या पेपर ही पढ़ते रहते हैं? क्या बकती है तो तू क्यों शर्म से लाल हुई जा रही है? ये उड़ी उड़ी सी रंगत, ये खुले खुले से गेसू, तेरी सुबह कह रही है, तेरी रात का फसाना रत्ती। अरे ये साइंटिस्ट महाशय ने तुझे बिल्कुल बेकार करके रख दिया है, बस अब तू प्यार किए जा और शर्माए जा। अरे ये शर्माने में जो मजा है वो तू क्या जाने, शादी करके देख। माफ कर, मैं शादी भी नहीं कर सकती और किसी के कलेजे पे सवार होकर पेपर भी नहीं पढ़ सकती। अरे शर्माना वर्माना तो अपने ने जिंदगी में सीखा ही। चलो ऊपर चला। शेखर बाबू, अभी एक बात पूछू क्या जी? अरे इतने सालों से तुम इधर से निकाल कर उधर, अरे उधर से निकाल कर इधर, ये क्या डाल रहे हो जी? तुम नहीं समझोगे। अरे समझाओ तो सही, क्यों नहीं समझ में आएगा? रघु, हम लोग दवाइयों के जरिए खाद बनाते हैं। खाद? खाद बोल, जरा सी बात के लिए खाद बनाने के लिए इतने साल बर्बाद करे क्या जी? मेरी सुनो, तुम 8-10 गाय भैंस पाल लो और देखना, वो दूध भी देंगे और खाद भी बनेगा। हमारे गांव में तो गोबर से ही खाद बनता है। प्रभु, तुम्हारे दिमाग में भी गोबर है। शेखर, कुछ गड़बड़ों की समझ में नहीं आ रहा है, वो सैंपल टेस्ट कर लिया? जी नहीं, मैं अरे भाई जल्दी करो, सारा काम रुका पड़ा हुआ है। यस सर। एंटी टेस्ट कर लिया? नहीं सर, वो कल अंजू को मैं जरा बाहर ले गया था। वो गधा कहाँ है? गधा कौन गधा? हाँ, मेरा एक असिस्टेंट हुआ करता था, जो दिन रात काम करता था, सारे एक्सपेरिमेंट करता था, सारे फार्मूले तैयार करता था, यहाँ पर रिपोर्ट तैयार करता था। वो? जी मैं। आप तो एक ऑनरेबल शादीशुदा आदमी है, आपको तो काम करने की फुर्सत कहाँ है? चलो, तुम्हारी बीवी देखने में कैसी है, बताओ, जल्दी बताओ। जी लोग तो कहते हैं कि लोग क्या कहते हैं मैं जानता हूं, तुम्हें कैसी लगती है? खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। बस तुम्हारी सबसे बड़ी मुसीबत यही है, अगर बीवी घर में खूबसूरत हो तो आदमी कोई काम नहीं कर सकता। 1 साल हो गया और तुम्हारा अभी तक हनीमून खत्म नहीं हुआ। आई एम सॉरी सर, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं कल तक सारा काम खत्म कर दूंगा जी। कुछ नहीं होगा। क्या हाल है अंजू का? अंजू, बहुत काम है, सारा काम खत्म करना है। अंजू प्लीज प्लीज प्लीज। ओह ए, कैसा लगता है? खूबसूरत फूल के नए। अंजू तुम नहीं मानोगी। अच्छा बाबा, नहीं सताऊंगी। कब तक काम करोगे? रात भर। जरा देखो तो। अब क्या है? बिंदिया सीधी है ना? क्या देख रहे हो? बोलो ना। क्या?
क्या बोलूं, इन चंचल आंखों के सामने कोई कह ही क्या सकता है। कितनी रसीली, हिरन जैसी। तुम कितनी सुंदर हो अंजू। तुम मुझे काम करने क्यों नहीं देती, सुनती क्यों नहीं? जाओ मुझे काम करने दो। ठीक है, मैं जाती हूँ। भैया फोन आया है, बहुरानी का एक्सीडेंट हो गया। जी कहाँ? पास वाले मैदान के पास। ओ माँ, अंजू ज्यादा चोट तो नहीं आई? शेखर बहुत दर्द हो रहा है। कितनी बार तुमसे कहा है अकेली गाड़ी मत चलाया करो, लेकिन तुम सुनती नहीं। अब कैसे लग रहा है? अच्छा है। चलो बैठ। नहीं, तुम घर में खो जाते हो। पागल, घर चलकर तुम्हें डॉक्टर को दिखाना है। मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। सर तो फोड़ लिया है, और क्या होगा? शिखर तुम आ गए, बस अब कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं। देखो एक्सीडेंट के निशान तक मिल गए। तो ये सब नाटक हो रहा था? तुम्हें मालूम है मैं कैसे दौड़ता भागता यहाँ पहुंचा हूँ? तुम जानती हो शिखर, मैंने तो ये सब तुम्हें पाने के लिए किया था। मुझे क्या मालूम था प्यार करने में जुर्म है। खींचे हमसे सांवरे इतने क्यों हो, खींचे हमसे सांवरे इतने क्यों हो। रोको पागल मन को, जिसने चाहा तुमको मेरी बाहों से परे इतने क्यों हो, खींचे हमसे सांवरे इतने।
जो नए सैंपल आए थे मैंने उनका एनपीके टेस्ट ले लिया और वीकली रिपोर्ट भी लिख दी। शाबाश, एक रात में इतना काम किया, असिस्टेंट हो तो ऐसा हुँ? मुझे मालूम था शेखर किसी मामूली आदमी का नाम नहीं हो सकता। हेलो, क्या समझ रखा है आपने? चोरों की तरह 5 बजे चल दिए? मैं क्या आपके लिए भूखी बैठी रहूं? नाश्ता करके क्यों नहीं गए? नाश्ता? व्हाट नाश्ता? रॉन्ग नंबर। जी मैं मिसेस शेखर बोल रही हूँ। ओ, मैं अभी पूछता हूँ। ए, तुम अपने आप को समझते क्या हो? जी वो भूखी बैठी रहेगी? बेचारी गरीब लड़की ठीक ही कहती थी। क्या तुमने शादी इसीलिए की है कि तुम खुद नाश्ता ना करो, उसे भूखा रखो? रखो रखो। सर आप परेशान ना होइए, मैंने एक तरह से नाश्ता कर लिया। एक तरह से नाश्ता कर लिया? नाश्ता करने के क्या दो तरीके होते हैं? क्या किया? जी मैंने केले खा लिए। केले खा लिए? जी। अरे तुमने वो केले खा लिए जो मैंने ऑफिसर को दिखलाने के लिए रखा था कि केमिकल के बाद 13-13 इंच के केले पैदा होते हैं और तुमको केले खा गए? अब मैं क्या दिख रहा हूँ, आपका सर दिख रहा हूँ? सर, 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 मैंने वो केले नहीं खाए, मैंने बाजार से केले लेके खाए। बाजार से केले लेके खाए? जी। बाजार में केले मिलते हैं, उन्हें केले कहते हैं? शेखर तुम एक साइंटिस्ट हो, जाओ खाओ, जो कुछ भी खाओ जंग में जाओ। समझ में नहीं आया सर। ये तो मेरी समझ में भी नहीं आया। अच्छा क्या किया जाए? मैं वो केले खा लूं? फिर वही केले खा ले को जिससे तुम्हें डांट पड़ी। अच्छा देखो, कल तुम मेरे साथ खाना खा रहे हो और अपनी बीवी को भी लाना। सर कल के लिए मुझे माफ कीजिएगा, कल तो मैं लेबोरेटरी भी नहीं आऊंगा। क्यों? जी कल मेरी शादी की पहली सालगिरह है और मैंने चंद दोस्तों से कह रखा है, बीवी से नहीं कहा, मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ। ठीक है, सरप्राइज दो, दावत दो, दिल दो, जान दो, पार्टी दो। अच्छा ऐसा करो, आज रात को खाना खाने जा रहे हो? आज? ये सर। देखो भूलना नहीं, मैं रघु से कह देता हूँ। रघु। नमस्ते नमस्ते। आओ शेखर आओ, बैठो 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 बैठो। आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हाँ शेखर, ऐसा लगता है हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। ये देखो गवर्नमेंट लेटर, 1 मिलने की काफी उम्मीद है। इसका मतलब है कि अब हमारी लेबोरेटरी इंस्टीट्यूट बन जाएगी। डेफिनेटली डेफिनेटली। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, मगर ये बेवक्त कैसे आ गए? बेवक्त सर, यही तो खाने का टाइम है। कि मैं कह रही थी खाने के टाइम से पहले पहुंच जाना चाहिए, इन्होंने देर कर दी। अरे ये हर फार्मूले में गलती करते हैं। कितने बजे खाते हो? 8:30 बजे। सारे तो 9 बजने के बाद। भूख नहीं लगी क्या? लगी तो है। तुम घर क्यों नहीं जाते हो और अपने साथ कल्पना क्यों भूखो मारे? बेटी इसका ख्याल रखो, वक्त पे खाना, वक्त पे सोना सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। सर याद है आज सुबह आपने मुझे डांटा था? याद है, याद है। बेटी मैं जरा इसे जोर से बोलता हूँ, ये समझता कि मैं नाराज हूँ। डोंट वरी माय बॉय, डोंट वरी, डोंट वरी। लगता है बड़े मियाँ भूल गए, मैंने खाना भी नहीं बनाया। कोई बात नहीं, होटल में खा लेंगे। क्या कहा बेटी? सर कुछ नहीं, कह रही थी कि अब हमें घर जाना चाहिए। हाँ रात ज्यादा हो गई है और मेरे भी खाने का वक्त हो गया। ठीक है चलो। हाँ जाओ। बेटी कभी कभी आ जाए करो। जी जरूर।
साहब जी, आपके मेहमान तो अभी तक नहीं आए जी, कब आएंगे, अन कब खाएंगे? मेहमान कैसे मेहमान? अजी वही अपने शेखर बाबू अन उनकी बीवी, आपने फजा तो उनको खाने पे बुलाए थे। अरे हाँ, वो आए तो थे। अजीब लड़का है, मेरी तरह वो भी भूलने लगा, खाना खाने के लिए भूल कर चला गया। वो इतना खाना बनाए उसका क्या होगा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन ये साथ में महाशय कौन है? होंगे कोई महापुरुष। क्या हुआ? सब घूर घूर के देखा। देखने दीजिए, आपको थोड़ी देख रहे हैं। तुम्हें देख रहे हैं, एक तो कष्ट। फरमाइए। नहीं किच्छू नहीं। तुम्हारा कोई फैन लगता है? हाँ फैन तो मेरा है, लेकिन हवा आपको दे रहा है। जानता नहीं किस आपको हवा दे रहा है। बॉय अरे ये क्या कर रहे हैं, किसी से झगड़ा करना है? यस सर। जल्दी दो डिनर ले आओ। अभी लाए। मंजना देवी, आपको बहुत दिन का पीछे देखा हुआ, हुआ कि नहीं? अमन मन खुशी से चल चल, घर भी नहीं खाना सका, चेहरे भी ना। क्या कष्ट है आपको? बहुत कष्ट है हमको। आपने मिस्टर अंजना, मतलब अपना करता बुझी। क्या करता? करता क्या? करता मैंने करता। ये मेरे हस्बैंड है मिस्टर शेखर। ओए तू शेखर बाबू, आप सोच में मांगता है। अंजना देवी एक आरती। Will you please go away now? अरे बाबा की रात, इतना गुस्सा काहे को होता है? मैं जाता हूँ, आप इसी की तरह यहाँ से चले जाइए। बच्ची की बात करी, चल चल। ऐसा क्या कहा था बेचारे ने जो इतनी जोर से डांट दिया? शेखर कहां तक हुआ? कुछ नहीं हुआ, एक दिन की छुट्टी मांगी थी मैरिज एनिवर्सरी के लिए, आज भी आपने काम पे बुला लिया, सब गड़बड़ कर दिया आपने। अरे भाई दो घंटे का काम है, करके चले जाना, मैं रोक थोड़ी रहा हूं। अच्छा देखो जी क्या है तो कल मत आना, परसों मत आना। अगर बाबू आपका टेलीफोन आया है घर से। हेलो कौन बोल रहा है? शेखर भैया मैं नारायण बोल रहा हूँ। बहुरानी ने कहा अगर आज किसी को बुलाया हो तो सब प्रोग्राम कैंसिल कर दीजिए। कैंसिल कर दी? क्यों? तबीयत खराब है, सर में दर्द है। सर में दर्द? हाँ बुखार भी है, उड़े लपेटे पड़ी हुई हैं। नारायण उनसे कहो एस्प्रो एस्प्रो खा ले, ठीक हो जाएंगे। अरे सुबह से तो न जाने क्या क्या खा लिया, तबीयत ठीक नहीं होती। नारायण मैंने बहुत लोगों को बुलाया, मैं पार्टी कैसे कैंसिल कर सकता हूँ? सबको मना कर दीजिए ना। नारायण चलो क्या हुआ, क्या बात है? सर आप बता सकते हैं कि औरत जात क्या है? शेखर देखो मैं एक साइंटिस्ट हूँ, बहुत से ब्रांचेज में एक्सपेरिमेंट किया लेकिन औरत के बारे में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। तुम्हारी मुसीबत क्या है? सर मुसीबत यह है कि पार्टी के लिए मैं सब बंदोबस्त कर चुका हूँ, लोगों को बुला चुका हूँ, और वहां से फोन आ रहा है कि तबीयत खराब है पार्टी कैंसिल कर दो। तो ठीक है तबीयत खराब है तो पार्टी कैंसिल कर दो। क्या तबीयत खराब है सर, जरा सा सर में दर्द है पार्टी कैंसिल कर दो। जब से मैंने शादी की है मेरे जोर जोर में बुखार आने लगा, फिर भी मैं काम करता हूँ और आज भी करूंगा। लाइए सर जितना काम मुझे दे दीजिए, मैं आज घर नहीं जाऊंगा। Don't be excited, my boy. Don't be excited.
आप कैसी? लगता है थोड़ा आराम हो गया, बहुत देर से कुछ बोली नहीं, अपने कमरे में है। सजना, मोरे सजना, ओ सुन क्या
आना, माँ जरूर आएंगे। लेकिन माँ मैं कल नहीं आई। घर जरूर आती बेटे, लेकिन कल पूजा थी। मैंने तुम लोगों के लिए मन्नत मानी थी। माँ आपके लिए एक साड़ी लाई हूँ, बहुत अच्छी है। मैं भी तुम्हारे लिए कुछ सौगात लाई हूँ। और मैंने मैंने तुम्हारे लिए आशीर्वाद। सिर्फ आशीर्वाद? ये औरतें भी अच्छा चक्कर चलाती रहती हैं, एक दूसरे के लिए प्रेजेंट लाती रहती हैं, और बेचारे मर्द उनके लिए कोई कुछ नहीं लाता। मर्द वाकई बेचारे होते हैं, उनको कुछ भी पहना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जानती हूँ अंजू, ये जो छोटा था ना, उसको फ्रॉक पहना था, टीका लड़की बिंदिया लगा देती ना। अरे घर में डोर नहीं, बाजा नहीं, एक मामूली सी घंटी उसे ही बजा रहे थे। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, आज सारे घर में घुमाता फिरूंगा। ये बोले क्या बात है? आज इंस्पेक्शन थी। तो क्या हुआ? अरे बड़े बड़े लोग आए, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, प्रेस रिपोर्टर्स। हाँ, गर्म गर्म स्पीचेस हुई। अरे कितनी तारीफ हुई, लेबोरेटरी की तारीफ, प्रोफेसर साहब की तारीफ, स्टाफ की तारीफ। और तुम्हारी? मेरी भी। खूब तस्वीरें खींची गई, सब लोगों ने मुबारकबाद दी, और हमारी छोटी सी लेबोरेटरी एक इंस्टीट्यूट बन गई, गवर्नमेंट की मदद मिली, प्रोफेसर साहब के सारे सपने पूरे हो गए। अच्छा? हाँ जी। और जानती हो, प्रोफेसर साहब मेरा हाथ पकड़ के नाचने लगे और कहने लगे, शेखर ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। और जानती हो अंजू, अब मैं क्या हो गया हूँ? क्या बन गया? डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। डिप्टी डायरेक्टर? हाँ, 1000 रुपए महाना, तरक्की, गाड़ी, टेलीफोन, सब कुछ। हम डिप्टी डायरेक्टर हो गए, हमको तरक्की मिली, 1000 रुपया महीना, मोटर कार, टेलीफोन, सब कुछ। इनकी बहुत 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 तारीफ हुई। मुबारक हो बेटी, भगवान तुम्हारी सारी आशाएं सफल करे। अरे तेरी आंखों में आंसू क्यों? नहीं तो भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है, अब तो तुम डिप्टी डायरेक्टर बन गई हो। माँ ये डिप्टी डायरेक्टर नहीं बने। चुप रहे, अंजू ठीक कहती है, पति को जो तरक्की मिलती है पत्नी के नसीब से मिलती है, समझा? मैं ठाकुर को प्रणाम करके आती हूँ। डिप्टी साहब एक बात तो बताइए, मेरी जरा सी खुशी से आप इतनी खुश क्यों हो रही हैं? तुम खुश नहीं है क्या? जानती हो क्यों? क्यों? अंजू, मेरी छोटी सी खुशी इन आंखों में बहुत बड़ी हो गई है। जी हाँ, हम भी बहुत बड़े हो गए। नारायण भैया। वाह बहू रानी, मैंने सब सुन लिया, लेकिन भैया तुम खाली हाथ क्यों आए, मेरे लिए क्या लाए? नारायण सब कुछ तो तुम्हारा ही है। तब तो मैं 2 भैंसे खरीदूंगा, 500 रुपए की एक भैंस आती है। सारी तनख्वाह तो यही ले जाएगा। तुम्हारी पहली तनख्वाह पर मुझे सिर्फ 10 कंबल भेजना, वहाँ गांव में लोगों को बांट दूंगी। गरीबों का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। नहीं भैया, 11 कंबल खरीदना, एक लोग मैं भी हूँ। हाँ। लेकिन माँ आप जाना क्यों चाहती हैं? देखिए ना, आप कहते हैं कितनी बड़ी तरक्की मिली, मैं रह जाती बेटी, लेकिन घर अकेला है, और फिर काली को भी तो बच्चा होने वाला है। गाय को बच्चा होने वाला है, इसलिए आप अपने बच्चों को छोड़ के जाना चाहती हैं? जिस दिन अपने बच्चों को बच्चा होगा ना, तब सब कुछ छोड़ के यही रह जाएंगे। अच्छा माँ, तुम जा तो रही हो, लेकिन एक काम करो, नारायण के साथ ले जाओ, वहाँ अकेली रहती हो ठीक नहीं लगता। नहीं, आज मैं नहीं जा सकता, मेरे सारे कपड़े धोबी क्या पड़े हुए हैं, वहाँ जाकर क्या मैं पत्ते लपेटूंगा। अच्छा अच्छा, इसे कपड़े लेकर बाद में भेज देना, लेकिन मैं तो आज ही जाऊंगी। बहू रानी, अकेली बैठी क्या सोच रही हो? नहीं तो कुछ नहीं नारायण भैया। माँ जी चली गई, मैं भी एक आध दिन में चला जाऊंगा, फिर तो तुम बिल्कुल अकेली हो जाओगी। साहब बहादुर को तो हर वक्त काम की ही धुन लगी रहती है, खाने पीने तक की सुध नहीं। ये माँ जी है ना? बाबा क्या शानदार तस्वीर है। अच्छा सुनाओ, वहाँ स्टेज का क्या हाल चाल है? भाई हाल तो फर्स्ट क्लास है, लेकिन चाल कुछ टेढ़ी नजर आती है। चाचा जी क्या कर रहे हैं? नए नए सपने देख रहे हैं, और इतने बड़े बड़े प्रोग्राम बना रहे हैं, क्या बताओ। मेरी जगह पर किसको लिया है? वो है एक महारानी, यानी उनके जमीन पर पैर ही नहीं टिकते, और जब नाचने खड़ी होती है ना, तो आंगन ही टेढ़ा हो जाता है। वो बेचारे चाचा जी, उनका तो नाक में दम कर रखा है। रति, मैंने कितने बार सोचा वहाँ तुम लोगों से मिलूं, मगर तू आती क्यों नहीं, जैसे पैर में मेहंदी लगा कर बैठी है,
चल चलते हैं। कहाँ? ओहो अरे भाई कहीं भी जाएंगे, तू घर में बैठे बैठे बोर नहीं होती? कहाँ चलेगी? अरे फिर अगर मगर कहाँ जाएंगे? अरे भाई जहाँ जी चाहेगा चले जाएंगे। देखो जहाँ कोई अच्छा सा गार्डन दिखेगा वहाँ घुस पड़ेंगे, और जहाँ कोई अच्छा सिनेमा दिखेगा वहाँ जाके हम दोनों बैठ जाएंगे। जहाँ कोई अच्छा सा होटल दिखेगा वहाँ जाके हम दोनों खाना खाएंगे। चलो हम उनको फोन करके बुला लेते हैं, बड़ा मजा आएगा। चलो चलो। हेलो हेलो डायरेक्टर साहब, क्या हाल है? अंजू कोई खास बात है क्या? जी हाँ बहुत ही खास बात है, हम कहीं हुजूर से आम बात कर सकते हैं? बताओ ना क्या बात है अंजू? जल्दी घर चले आओ। पागल हो गई हो? यहाँ मेरा एक्सपेरिमेंट चल रहा है। अजी एक्सपेरिमेंट को मारिए गोली, रत्ति आई है, हम लोगों ने मिलकर वंडरफुल प्रोग्राम बनाया है, सिनेमा सैर फिर खाना वो भी बाहर। इम्पॉसिबल अंजू, मैं नहीं आ सकता। तुम्हें आना होगा। हर बार विजिट करती हो, कह दिया ना मैं नहीं आ सकता। सॉरी अंजू देर हो गई। देर कहाँ हुई, अभी तो रात के 11 ही बजे हैं। कल 12 बजे आऊंगा। आने की क्या जरूरत है, वहीं सो जाए कीजिए, सुबह तो जाने ही पड़ता है। रह गया खाना तभी जो लूंगी। तो तुम्हारा मतलब है मैं यहाँ सिर्फ खाना खाने के लिए आता हूँ? नहीं जी, आपको मेरा बहुत ध्यान रहता है ना, आप सिर्फ मेरे ही लिए आते हैं। सोचते हैं बेचारी भूखी बैठी होगी, जरा चल के खाना खिला दें। नहीं तुम जिस वक्त हुक्म दोगी सारा काम छोड़कर आ जाया करूंगा। मैं दूसरों का मुलाजिम थोड़ी हूँ, तुम्हारा नौकर हूँ, घर का नौकर हूँ। नौकर तो मैं हूँ, सारी रात इंतजार करती हूँ। कौन कहता है इंतजार करने के लिए, मत करो इंतजार। नारायण मैं खाना नहीं खाऊंगा। खाना खा लो। नहीं भूख नहीं लगी है? नहीं मेरी गलती थी, तुम थके हुए घर आए और मैंने तुम्हें नाराज कर दिया। चलो मैं नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा। तुम्हें खाना पड़ेगा खाना पड़ेगा खाना पड़ेगा। कोई जबरदस्ती है? हाँ देखो अंजू मुझे बहुत भूख लगी है। अंजू जब मैंने कह दिया कि अगर मुझे देर हो जाया करे तुम खाना खा लिया करो, फिर तुम क्यों नहीं खाती? मुझे अकेले अच्छा नहीं लगता। और ये अच्छा लगता है रोज रोज झगड़ा? भूख की वजह से तुम्हें गुस्सा आने लगता है, घर में कदम रखते ही तुम मुझे खा जाना चाहती हो। अच्छा बाबा अब से खा लिया करूंगी। चलो 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 चलो, पहले नारायण को तो देख लें, वो बेचारा भूखा सो गया होगा। नारायण सोने क्यों लगा? तुम लोगों के झगड़े में अब एक ही दिन सोऊंगा। भूखे पेट अमीरों को ही नींद आती है, मेहनत मजदूरी करने वाले को खाली पेट नींद नहीं आती, समझे? नारायण बहस में ज्यादा वक्त जाया मत कर, जल्दी से कुछ खिला दे, मुझे बहुत भूख लगी। अब सुबह ही खाना, खाना नहीं है। हा? खाना नहीं है? हाँ क्या हुआ खाने को? फकीर को दे दिया। नारायण बहुत भूख लगी, कुछ तो दे देना। अच्छा बैठो देखता हूँ। अंजू अंजू और सुनाइए चाचा जी, सुना है आपने बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम बना दिए हैं, बड़ा हंगामा बहुत शोर। वो सब चौपट हो गया। चौपट हो गया? बात यह है कि पहले मैं लड़कियों को नचाता था, अब लड़कियां मुझे नचाने लगी हैं। तुम्हारी जगह पर जिस लड़की को तैयार किया था वो सब कुछ सीख साख कर पहले तो अकड़ने लगी, फिर बीमारी का बहाना करके घर बैठ गई, मुझे ब्लैकमेल करना चाहती थी, मैंने उसे निकाल दिया। ठीक किया चाचा जी,
लेकिन चाचा जी आपको तो बहुत नुकसान हो जाएगा, आप किसी बड़े आर्टिस्ट को क्यों नहीं ले लेते? मैंने भी यही तय किया, इतनी बड़ी आर्टिस्ट को लूंगा कि जिसके पांव तले जमीन झूमेगी। वो महान कलाकार कौन है चाचा जी? तुम बेटी। मैं? सिर्फ तुम, तुम्हारे सिवा और किसी में इतनी सलाहियत नहीं जो मेरी कल्पनाओं में रंग भर दे। तुम अपनी कीमत नहीं जानती, मैं जानता हूँ, पब्लिक जानती है। अब तक मेरे पास चिट्ठियां आती हैं, एक बार तुम्हारा नाम अनाउंस करते ही पढ़ने वालों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। लेकिन चाचा जी अब तो मैं नाच वाच सब भूल चुकी हूँ। कौन कहता है, नाच तुम्हारे खून में है, तुम्हारे रोम रोम में है, नाच तुम्हारी जिंदगी है, कोई जिंदगी को भूल जाता है? चाचा जी अब तो आपकी बेटी की शादी हो चुकी है, उनसे पीछे बिना। हाँ जरूर पूछ लेना, शेखर मेरे लिए कभी ना नहीं कहेगा, कहना मैं आया था, सिर्फ 5 प्रोग्राम्स हैं, 20-25 दिन में पूरे हो जाएंगे। अंजू वक्त पर अपना पैसा और अपने बच्चे ही काम आते। अच्छा अब मैं चलूं, मुझे परदेशी भेजनी है। चाचा जी मैं फिर से स्टेज पर नाचूंगी ये मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था, मुझे डर भी लग रहा है और खुशी भी हो रही है। नहीं छोड़ूंगा। अरे नारायण कैसा बुद्धू बनाया बाबू साहब को, नारायण तो सुबह ही चला गया। नारायण के जाने के बाद तुम्हें तकलीफ तो बहुत हो रही होगी। तकलीफ का है कि घर का काम तो औरतों को करना ही चाहिए और माँ का तो आराम होगा। फिर भी घर में एक नौकर होना चाहिए, आखिर तुम डिप्टी डायरेक्टर की बीवी हो। तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो, मैं तुमसे झगड़ा भी करूं तो भी तुम बुरा नहीं मानते। बुरा क्यों माने, झगड़ा बुरा मानने के लिए थोड़ी किया जाता है। शेखर एक बात पूछो। पूछो। तुम मुझे चाहते हो? ये क्या बात हुई बताओ ना, कितना चाहते हो बताओ। पास आओ बताता हूँ। वहीं से एक बात पूछूं, अगर मैं फिर से स्टेज पर आ जाऊं तो तुम्हें कैसे लगेगा बताओ ना। बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा तुम्हारा स्टेज पर नाचना मुझे। देखो ना मत कहना, चाचा जी आए थे वो बहुत मुसीबत में है, मुझे हाँ कह चुकी है। जब हाँ कह चुकी है तो मुझे पूछने की क्या जरूरत थी, इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी। झगड़ा करो मैं ना छोड़ूंगी ना छोड़ने दूंगी। कोई जबरदस्ती है क्या? जबरदस्ती क्यों नहीं बाबू साहब, शादी की है, मजाक थोड़ी है। देखो मैं अपना सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आई हूँ, तुम्हारे सिवा मेरा कौन है? जरा जरा सी बात पर मुंह फुलाओगे तो मेरा क्या होगा?
देखो अंजू, कुछ चीजें हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे भी पसंद नहीं, लेकिन क्या करूं, चाचा जी बहुत मजबूर होकर मेरे पास आए थे। अगर मैं इनकार कर देती तो उनका बहुत नुकसान हो जाता। लेकिन अंजू ये क्या बचपना हो रहा है, मेरी उम्र का नहीं तो कम से कम अपने बुढ़ापे का तुम ख्याल करो। जिंदों पे बुढ़ापे में बुढ़ापा नहीं आता, जिंदों पे बुढ़ापे में बुढ़ापा नहीं आता, जाहिर पे जवानी में जवानी नहीं आती। मैंने तुम्हें को चाहा, तुम्हें को पाया है, कितने ही रूप में कितने ही पास, हमारा तुम्हारा प्यार का संबंध युगों से चला आ रहा है, युगों से। और हमी को देखकर तो कवि ने लिखा है, रहा लाख लाख युग मन मन में, नहीं प्यास मिटी हमरे मन की।
मुखड़ा गुलाबी लगे ऐसे के मैं हूँ शराबी, रंग रस का एक प्याला हाथों में लिए और मैं पी के नगर में लिपटी हुई लाल चुनर में सपनों की मधुशाला आँखों में लिए सदियों का ये नशा है उतरे गाना उतारे मिलते ही रहेंगे हम बदले सौ नजारे युग युग के रंग जितने उतने रूप हमारे मिलते ही रहेंगे हम बदले सौ नजारे बदले सौ नजारे जलन आहों की लहराई तेरी बाहों की लहरों में बह जाऊं तब प्यास बुझे ला 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 ले लो मेरी अदाएं लूटो मेरे इशारे मिलते ही रहेंगे हम बदले सो नजारे युग युग के जितने उतने रूप हमारे मिलते ही रहेंगे हम बदले सौ नजारे बदले सौ नजारे बदले सौ नजारे जालिम क्या नाचती है एकदम पटाखा है मेरी तो बिल्कुल छुट्टी कर दी अंजना जी एक आर्टिस्ट उनके लिए ऐसी गंदी बातें नहीं करनी चाहिए उनके आर्ट की तारीफ करनी चाहिए वो आप कीजिए मैं तो जवानी और खूबसूरती का पुजारी हूँ हाय वो तो चलते हैं सीना उभार के क्यों ना लूटे मजे वसले यार के यार अंजना शादी के बाद ज्यादा ही नमकीन हो गई है क्या कुल्हे चलाती है स्टेज पर चलते हैं जरा करीब से देखेंगे अपनी माशा को मैं तो उसके लिए एक माला लाया हूँ अंजना को पहनाऊंगा और चुपके से उसके गालों पे हाथ ही फेरलूंगा अरे पागल उसकी तो शादी हो चुकी है तो क्या हुआ अरे ये एक क्या दस दस शादियां कर ले फिर भी रहेंगी पब्लिक प्रॉपर्टी अरे यार कैसे बुरा है आपको क्या तकलीफ है तकलीफ तो आपको होने वाली है आपको शायद मालूम नहीं मैं फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता हूँ फिर तो हुजूर से एक ही गुजारिश है बस एक ऐसी लात जमाइए कि मैं सीधे अंजना के कदमों में जा गिरूं फिर वो मुझे प्यार से उठाएगी सीने से लगाएगी और कहेगी किसने मारा मेरे शेखर बाबू शेखर बाबू हाँ आपको अंजना बुला रही है अच्छा तो ये है मिस्टर शेखर अंजना के ऑफिशियल हस्बैंड खूब खरी खरी सुनाई क्या किस्मत पाई है खूबसूरत जमा बीवी कमा के लाती है पट्टा मौज उड़ाता है
क्या है? वहाँ लोगों ने क्या क्या तारीफें की, तुमने सुनी नहीं? मालूम हुआ कि मैं आसमान पर उड़ रही हूँ। एक साथ कहने लगे, ऐसे मीनाक्षी और उर्वशी भी नहीं नाचती। एक महाशय कहने लगी कि आपको देखे मेरी आंखों की रोशनी बढ़ जाती है, मैं चश्मा उतार देता हूँ। कितनी तस्वीरें खींची, कितने हार, कितने फूल, बस हद हो गई। एक भले मानस ने कह दिया कि आप शादी के बाद भी बिल्कुल कुंवारी लगती हैं। What a figure! क्या हुआ? बंद करो ये जलील बकवास। बहुत देख चुका, बहुत सुन चुका। क्या तुम इन्हें तारीफ समझती हो? मैं जानता हूँ पब्लिक तुम्हें क्या समझती है। क्या समझती है? चीप। तुम्हें ऐसी बात कहते हुए शर्म आनी चाहिए। मैं नहीं कहता, दुनिया कहती है। जो लोग तुम्हारा तमाशा देखते हैं वो तुम्हारी कीमत लगाते हैं। शेखर, मैं ऐसी गिरी हुई बात सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं भी अपनी इज्जत पर बाजार की गंदगी छिड़काने के लिए तैयार नहीं। तुम्हारी सस्ती अदाओं और मामूली इशारों पर लोगों की सीटियां और जलील खजम के जुमलेबाजियां मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ तुम क्यों बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम मेरी शोहरत से जलते हो, तुम्हें मेरी तरक्की पसंद नहीं। मेरे गले में पड़े हुए इतने फूलों के हाथ तुम्हें बुरे लगते हैं। तुम फूलों की जबान जानती नहीं। अगर तुम फूलों की जबान जानती तो तुम्हें पता चलता ये फूलों के नहीं, जिल्लत तो बदनामी के हार हैं। मेरे गले में पड़े हैं इसलिए? तुम्हारे गले में होते तो इज्जत के हार होते। तुम तरक्की करो तो मैं खुश हूँ, मुझे कामयाबी मिले तो तुम घर में अंधेरा किए रहो। तुम्हारे 1000 रुपये बढ़े तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। आज मुझे शोहरत मिली तो मैं सलील हो गई। नहीं अंजू, मैं जानती हूँ एक मर्द एक औरत की तरक्की देकर खुश हो ही नहीं सकता, और फिर अपनी बीवी की तरक्की। पतिदेव का अभिमान टूटता है ना अंजू। तुम्हारे पागलपन को मैं तुम्हारी तरक्की नहीं समझ सकता। धब्बा शराफत के दामन पर ज्यादा बुरा लगता है। आज तुम्हारे लिए मैं लोगों को अपना मुंह नहीं दिखा सकता, तुम्हें नहीं, लेकिन मुझे हमारी इज्जत का ख्याल है। आज से तुम नहीं नाचोगी। मैं जरूर नाचूंगी। मैंने सोचा था इस प्रोग्राम के बाद मैं कभी नहीं नाचूंगी, लेकिन तुम्हारी धमकी के बाद मुझे भी जिद है, मैं जरूर नाचूंगी। नहीं, इस घर में रहकर तुम नहीं नाचोगी। तुम्हारा नाच या ये घर, इनमें से तुम्हें एक कुछ ना होगा। तुम नाराज ना होना, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। नहीं माँ, नहीं, ये झूठ बोलती है, सारा दोष इसी का है। रत्ती, तुझे नहीं मालूम मेरी कामयाबी पर शेखर ने कितनी जलील बातें कही। हाँ तो बाबा, तू भी कह लेती, 2 की जगह 4 कह लेती, 3 दिन तक कमरे में बंद पड़ी रहती, ना खुद खाती ना उन्हें खाने देती। अरे लेकिन तुझे अपना घर छोड़ने की क्या जरूरत थी? वो घर मेरा नहीं, वो समझते हैं, वो कमा के लाते हैं तो मुझे कुछ भी कह सकते हैं। मैं भी उन्हें बता दूंगी कि मैं उनसे भी ज्यादा कमा सकती हूँ। अंजू देख, औरतों के लिए इतना घमंड अच्छा नहीं। क्यों नहीं? सारे घमंड का ठेका मर्दों ने ले रखा है। अंजू नहीं रहती, जिस घर में पत्नी की कोई इज्जत नहीं उस घर में मैं कभी नहीं जाऊंगी। शेखर क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना? जी जी, तबीयत तो ठीक है जी। फिर क्या गड़बड़ है? बहू की तबीयत ठीक है ना? जी तबीयत ठीक नहीं है। क्या बीमारी है? चक्कर आता है, खाने में जी नहीं चाहता। मिजाज में कुछ ज्यादा चिड़चिड़ापन हो गया होगा? बहुत ज्यादा। सुबह मतली मालूम होती होगी? शायद नहीं, यकीनन। देखो शेखर, बहू के बारे में तुम फिक्र न करो, किसी डॉक्टर से कंसल्ट करो और मैं शाम को बहू को देखने आऊंगा। वो यहाँ नहीं, चली गई है। कहाँ चली गई बताओ, कहाँ चली गई? माँ के यहाँ, गाँव गई। अच्छा तो तुम इसलिए उदास हो। देखो शेखर, ऐसी हालत में उसे माही के पास जाना चाहिए, समझे? अंजू तू वापस क्यों नहीं चली जाती?
क्यों? अरे बड़ी बुढ़िया कहती हैं कि घर ज्यादा दिन अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, खाली घर में चुड़ैलें घुसाती हैं। और फिर इन मर्दों का क्या, जिद में अगर दूसरी शादी कर ली तो? उनकी मर्जी, जो दी चाहे करें। देख अंजू, मेरी बात मान और तू घर वापस चली जा। शेखर बाबू को तेरी सब जरूरत है, तेरे बगैर उनकी बहुत बुरी हालत हो गई है। मैं मानती हूँ कि गलती उनकी है, लेकिन वो बुरे आदमी नहीं है अंजू। मैंने कब कहा कि वो बुरे आदमी है? वो तो बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे हैं, वो सबको चाहते भी बहुत हैं। लेकिन उनके घर में जो नौकर की इज्जत है वो बीवी की नहीं, और जिस घर में औरत की कोई इज्जत नहीं मैं वहां कभी नहीं जाऊंगी। अजीब आदमी हो तू, जब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं तो काम करने के लिए किसने कहा? यहाँ आए क्यों? तो कहाँ जाऊँ? कहाँ जाऊँ? तुम्हारा घर नहीं है क्या? जाओ घर जाके आराम करो। और ये काम कौन करेगा? ये सैंपल आज ही भेजना है, बहुत जरूरी। कोई जरूरी नहीं, नहीं बहुत जरूरी है। लेकिन आप अजीब बात है, मैं काम करता हूँ तो आप डांटते, मैं काम नहीं करता तो आप डांटते हैं। ठीक है मैं जाता हूँ। क्या हुआ? अभी आई। शेखर बाबू, अरे तुम क्या बात है, आप कुछ दुबले नजर आ रहे हैं। दुबला? नहीं तो इसमें आपका भी क्या कसूर है, ये मर्दों की आदत ही ऐसी होती है, एक बार पकी पकाई खाने की आदत हो जाए ना तो फिर होटल की नहीं चलती। कैसी हो तुम? बस मौज है। हाँ लेकिन वो आपकी अंजू है ना, वो कुछ ज्यादा ही दुबली हो गई है। दरअसल ये औरतों की भी आदत ऐसी ही होती है, एक बार कमा के देने वाला मिल जाए फिर खुद कमाते बड़ी मुश्किल हो जाती है। हाँ चलिए छोड़िए ना, इसमें सोचने की क्या बात है, शादी ही की थी, कोई पत्ता थोड़ी लिखा था, उसे कोई और कमाने वाला मिल जाएगा, आपको कोई और पकाने वाली मिल जाएगी। हाँ मैं बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हूँ, तुम्हें इस तरह मजाक नहीं करना चाहिए। ओहो अच्छा चलो मजाक, तो चलिए सीरियसली एक कप कॉफी पीजिए। आइए आइए ना। अंजू
बचपन चल है जवानी संग छोड़ो मेरा आंचल नैनू मेरे को ये अरमानों की प्यास नैनू मेरे को ये अरमानों की प्यास बारह घोड़ों वाली रेलगाड़ी सैया मेरे पास धड़कन हर दिल की हूँ मैं आस बारह घोड़ों वाली रेलगाड़ी सैया मेरे पास ला 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 बारह घोड़ों वाली रेलगाड़ी सैया मेरे पास बैठो तुम लोग तुम लोगों को विलायत में जाकर रहना चाहिए यहाँ की सभ्यता यहाँ की तहजीब तुम लोगों को रास नहीं आएगी घर के रसोई आंगन में तुम लोगों का दम घुट जाएगा तुम लोगों का क्या मतलब तुम लोग जो बेशर्मी को बेशर्मी नहीं समझते स्टेज पर अपने जिस्म की नुमाइश करने को आर्ट समझते हैं मैडम हरिश्चंद्र जी के जमाने के लोग आज भी पाए जाते शट अप सुन लिया कि और कुछ सुनने के लिए रह गया है और बुला के काफी पिलाओ चाय पिलाओ और मुझे गालियां सुनवा भाई मैंने तो सोचा था जब तुम लोग मिलोगे तो दिल में कुछ दिल मैं जानती हूँ कितने संग दिल हैं वो समझते हैं उनके गालियां देने से मैं नाचना छोड़ दूंगी मर जाऊंगी लेकिन डांस नहीं छोड़ूंगी शेखर बाबू ने टेलीफोन किया है बहुत जरूरी काम है मिलने आ रहे हैं ओ, तो तू शेखर बाबू का ध्यान कर रही थी वेरी गुड कर लेकिन भाई ये ऐसी रोनी सूरत क्यों बना रखी है जरा कुछ रोमांटिक अंदाज में ध्यान कर नति तू बैठ नहीं है बाबा देख अभी तेरे वो आ जाएंगे और मैं बीच में नो नो अपन खिसक दे मैं यहीं छोड़ूं कहिए कैसे तकलीफ किया आपने अंजू अंजना जी मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ और सिर्फ आप ही मुझे बचा सकती हैं अच्छा जी लेकिन आपको तो एक्ट्रेस के नाम से भी नफरत है क्या आप एक एक्ट्रेस से मदद लेना पसंद करेंगे मुझे नहीं मालूम था आप जैसे महान लोगों के उसूल भी मतलब पढ़ने पर बदल जाते हैं अंजू तुम अच्छी तरह जानती हो मेरे उसूल कभी नहीं बदलते मैं तुम्हारे पास अपने लिए नहीं आया था तो फिर किसके लिए आए माँ क्या हुआ माँ का बोलते कहने कुछ नहीं माँ कल आ रही है यहाँ दो दिन रहकर तीर्थ पे चली जाएंगे माँ को हम लोगों के बारे में कुछ भी नहीं मालूम समझ में नहीं आता कल माँ से क्या कहूँ सच कहने की हिम्मत नहीं और झूठ माँ से नहीं कह सकूंगा लेकिन कोई उपाय भी तो नहीं है एक उपाय है अगर तुम मदद कर सको तो मैं क्या कर सकती हूँ एक्टिंग एक्टिंग हाँ एक्टिंग अभिनय मेरी पत्नी का अभिनय तुम्हें मेरी पत्नी का अभिनय करना होगा ओह
आइडिया बुरा नहीं, लेकिन इतना सहल भी नहीं। हमारे इस नाटक को देखने के लिए कोई दर्शक नहीं होगा, कोई वाह वाह नहीं होगी, कोई तालियां नहीं बजेंगी, कोई फूलों के हार नहीं होंगे। लेकिन माँ के सामने नाटक करने से क्या फायदा? माँ के मन को शांति मिलेगी, उन्हें विश्वास हो जाएगा कि हम लोग सुखी। ठीक है, माँ के सुख के लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ। हाँ, तो आपकी पत्नी का अभिनय मुझे कब से करना होगा? कल सुबह से। माँ 8 बजे आ रही है, आप उससे पहले घर पहुंच जाना। अच्छी बात है, कोई जवाब नहीं। अब तक आई नहीं? आई नहीं, कहाँ गई है? नहीं माँ, जाएगी कहाँ, यही होगी, यही। अजीब मुसीबत है, चाबी तो मैंने कल ही दे दी थी, फिर पता नहीं। पता नहीं, चाबी दे दी थी, ये तो क्या बोल रहा है? नहीं माँ, जेब में। क्या अंजू तेरे जेब में है? नहीं माँ, अंजू नहीं, चाबी, एक चाबी अंजू को दी थी, एक मेरे पास है। अच्छा हुआ दोनों चाबी नहीं दी थी। आओ माँ। तू कहाँ चली गई थी? शेखर बेचारा कितना घबरा गया था, ये तो जरा जरा सी बात में घबरा जाते हैं। माँ देखे ना, जब तब से आते हैं घंटी बजने से पहले ही मुझे यहाँ मौजूद रहना थे, जरा सी देर होगी तो समझते हैं कोई मुझे उठा ले गया। मैं कितनी देर से घंटी बजा रहा था लेकिन तुम सुनती नहीं। घंटी बजती है, जरा बजा के देखे। क्या हुआ? वहाँ 3 दिन से बिगड़ी हुई है, घर की कोई खबर नहीं, बेकार झगड़ा करते हैं। मैं झगड़ा करता हूँ? अच्छा बाबा, मैं झगड़ा करती हूँ। चलिए, सुबह से निकले हुए हैं, अभी तक नाश्ता तक नहीं किया। चलिए चलिए चलिए, मुँह हाथ धो लीजिए। माँ अभी पहले शेखर को नाश्ता करा ना, मैं जरा ठाकुर को प्रणाम करके आती हूँ। मैं कितना घबरा गया था, माँ को जवाब देना मुश्किल हो रहा था, लेकिन तुमने तो कमाल कर दिया, इतनी अच्छी एक्टिंग की, माँ को पता ही नहीं चला। मगर अब कोई एक्टिंग की जरूरत नहीं, माँ यहाँ नहीं, छोड़िए मेरे हाथ। I'm sorry, तुम्हारा हाथ है, लेकिन अगर तुम्हारा हाथ पकड़ लिया तो क्या हो गया, मैला हो गया? हाँ मैला हो गया। अंजू माँ, क्या हुआ हाथ में, कुछ लग गया है क्या? हाँ माँ, पता नहीं क्या लगा हुआ है, देखने भी नहीं देते हैं। चलिए ना हाथ धो लीजिए। मैं नहीं धोऊंगा। धोता क्यों नहीं, क्या लगा, क्या आया है? कुछ नहीं लगा माँ, बेकार की हमदर्दी जता रही है। लगा कैसे नहीं, पेट्रोल की बू आ रही है, माँ कहती है चलिए ना हाथ धो लीजिए। आइए हाथ धोइए। तू अपना हाथ धो, ये मेरा हाथ है, अपना हाथ मैं खुद धो सकता हूँ। ओह, पेट्रोल के काले धब्बे लगे हुए हैं, उनको तो छुड़ाइए। नहीं छुड़ाऊंगा, धब्बे मुझे अच्छे लगते हैं। यहाँ एक्टिंग करने की जरूरत नहीं, कोई नहीं देख रहा। माँ देख रही है, पीछे खड़ी है। क्यों रे, इसे झगड़ा क्यों कर रहा है, चल ठीक से हाथ धो ले। इन्हीं से तो हाथ धो रहा हूँ माँ, डालो पानी। बिल्कुल अपने पिता का स्वभाव पाया, वो भी जरा जरा सी बात पर नाराज हो जाते थे, बस वही उनका प्यार था। अंजू, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके गुस्से में प्यार होता है, जैसे कि ये। अब फिर से कभी झगड़ा करें ना तो मुझसे कहना। अरे खाना, खाता क्यों नहीं? बस माँ खाते। नमस्ते चाचा जी। जी जी, माता जी आए। अच्छा, सुखी रहा। बड़े शुभ समय पर आया हूँ, आपके दर्शन भी हो गए और यहाँ तो गर्मा गर्म चाय भी मौजूद है और ताजा ताजा नाश्ता भी। हाँ, जरूर नाश्ता कीजिए, सब कुछ आपकी बेटी के हाथ का बना हुआ है। आपने इसे कितनी अच्छी शिक्षा दी है, लाखों में एक बनाया है। अरे मैं क्या बनाता, भगवान ने खुद इसे बना संवार कर भेजा है,
आपने सिर्फ इसके पकाने का कमाल देखा है, नाच का कमाल अभी नहीं देखा। एक पूरी तो लीजिए। हाँ हाँ, अच्छी और गर्मा गर्म पूरी, कोई खाने से मुंह मोड़ेगा, एक नहीं दो दो। ये लीजिए। अच्छा मुझे ऑफिस जाना है, देर हो रही है। अच्छा क्षमा कीजिएगा। अच्छा जा। अच्छा हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ अंजू के नाच के बारे में। बस भाई कमाल, मैं डरता रहा कहीं शादी के बाद इसकी कला खत्म तो नहीं हो जाएगी, मगर नहीं साहब, इसने तो गृहस्थी भी संभाल ली और शादी के बाद। चाचा जी माफ कीजिए, जल्दी उठिए नहीं तो दांत पड़ जाएगा। चाय को भी इसी वक्त गिरना था। समझ में नहीं आता चाय कैसे उलट गई। मैंने गिरा दी। तुमने? जी हाँ, अब माँ के सामने नाच की बात करने लगी, उनको नहीं मालूम कि मैं फिर से स्टेज पर नाच रही हूँ। अब चुप ही नहीं हो रहे थे, मैं क्या करती, चाय गिरा दी। कमाल कर दिया, सारी के सारी चाय कपड़े पर ही गिरा दी, एक बूंद इधर उधर नहीं गिरने दी। देखिए जब तक माँ यहाँ रहेंगी मैं रिहर्सल में नहीं आ सकूंगी। ठीक है ठीक है, जब फुर्सत मिले आ जाना। बस बेटी रात बहुत हो गई है, जाओ आराम कर। चली जाऊंगी माँ, आप बहुत दिन के बाद आई हैं, आपके पास से हटने को जी नहीं चाहता। जी चाहता है आज की रात आप ही के चरणों में सो रहूं। अरे कैसी बातें करती हो, तुम सुहागन हो, जाओ अपने कमरे में जाओ। मैं चली जाऊंगी। जाती क्यों नहीं, मुझे नींद आ रही है और शेखर भी जाग रहा होगा। जाओ, अरे सुबह फिर आ जाना। अगर यहाँ लेट जाऊं तुम्हें तकलीफ तो नहीं होगी? अगर कहूं होगी तो तुम क्या करोगे, मुझे घर छोड़ोगे? ये तो मैंने नहीं कहा, मैं सोच रहा था। तुम क्या सोच रहे हो मैं अच्छी तरह जानती हूँ, अगर माँ जबरदस्ती नहीं करती तो मैं कभी इस कमरे में नहीं आती, वहीं सो जाती माँ के पास। लाइट बुझा दो। तुम्हारी मर्जी। तुम तो जानती हो मैं लाइट जलाकर सो नहीं सकता। किसने कहा है लाइट जला के सोने के लिए, तुम क्या मुझे यहाँ झगड़ा करने के लिए लाए हो? ये लो, मैं भला झगड़ा क्यों करने लगा? अच्छा बाबा मैं ही झगड़ा करती हूँ, अब मेहरबानी करके लाइट बुझा दो, मुझे नींद आ रही है। देखो तो कितने उलझ गए हैं, इतने उलझाए रखोगे तो कैसे सुलझेंगे? अगर नहीं सुलझते तो जाने दीजिए, मैं और उलझाए रखूंगी। क्यों, आप मेरे पास रहती क्यों नहीं, आप अगर रहेंगे तो कभी नहीं उलझेंगे। मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी? देखो बेटी, उलझन जिंदगी में हो या बालों में, खुद ही सुलझाना चाहिए। कितने सुंदर हो, रूप में लक्ष्मी, गुण में सरस्वती। आपने गुण देखा कहाँ? नहीं देखा है तो देख लूंगी। शेखर ने तुम्हारे नाच की बहुत तारीफ की थी, आज मैं भी तुम्हारा नाच देखूंगी। नाच घर में? क्यों क्या हुआ?
बाहर नाचने से तो घर में नाचना अच्छा है। शेखर। हाँ यहाँ ठीक से बैठना। ठीक ही बैठा हूँ मैं। नहीं मेरे पास आओ। ये लो माँ, कितने नजदीक बैठा हूँ तुम्हारे। अरे तू कहाँ जा रही है? चाय लेने। चाय नारायण ले आएगा। नारायण, शेखर के लिए चाय ले आ। क्या बात है, एक बैठता है एक उठता है। मेरे आने से तुम दोनों को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? नहीं माँ, कैसी बात कर रही है, तकलीफ क्या होगी? मेरा जी चाहता है आज तुम दोनों को अपने पास बिठाए रखूं। कल इतवार है, छुट्टी का दिन है, रात भर हम लोग बातें करेंगे, तुम्हारा नाच भी देखेंगे। नाच? हाँ। नहीं माँ, इस घर में नाच नहीं होगा। क्यों? नाच मुझे पसंद नहीं। मगर शादी से पहले तो तुम्हें पसंद था। शादी से पहले ही पसंद था, शादी के बाद नहीं। तुमने संगीत क्यों छोड़ा? तो इस दर्द को क्या जाने, इतनी मेहनत और तपस्या के बाद जो कुछ मिलता है क्या उसको इतनी आसानी से छोड़ देना चाहिए? नहीं, दिन भर नाचना चाहिए, रात भर नाचना चाहिए, इतना नाचना चाहिए कि सारे घर सारे संसार का सर्वनाश हो जाए। अजीब लग रहा है। मैं जानती हूँ आपको नाच पसंद नहीं, स्टेज पसंद नहीं, मैं पसंद हूँ, ठीक है, लेकिन आपको ये सब कहने की क्या जरूरत है? आप माँ की याद लेके मुझे जलील करना चाहते हैं? जो चीज मुझे पसंद नहीं उसे मैं जबरदस्ती पसंद नहीं कर सकता। लेकिन आपने ये कैसे समझ लिया कि मैं आपके सामने नाचने ही वाली हूँ? आप सुन लीजिए, आप यहाँ मुझे नाटक करने के लिए लाए हैं, ज्यादा अधिकार जताने की कोशिश न कीजिएगा वरना आप ही के लिए मुश्किल होगी। नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन चारि दश भूधर भारी, सुकृत मेघ बरस ही सुख बारी। आज दफ्तर में इतनी देर लगा थी, जब जल्दी से मुँह हाथों को चाय पी ले और फिर अंजू को जरा मंदिर ले जाना। नहीं मां। शेखर इधर तो क्या बात है? कुछ कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं, जानता है आज तूने जिंदगी में पहली बार मुझे ना कहा। माँ भूल हो गई, मैं अभी अंजू को मंदिर ले जाता हूँ। बेटा मैंने मन्नत मानी थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं, तुम दोनों मंदिर हो आओ। अंजू, तुमने मुझे बेकार कर दिया, इश्क ने खालिद ने कमा कर दिया, वरना हम भी थे आदमी काम के। मेरी समझ में नहीं आता अब साइंटिस्ट होके कविता के पुजारी कैसे हो गया। अरे मैं क्या, दो तीन दिन लगातार तुम्हें देखने के बाद कोई भी महाकवि कालिदास हो सकता है। अंजू शेखर के साथ मंदिर हुआ? नहीं, न जाने तुम लोगों को क्या हो गया है। कुछ तो नहीं, जानती हो आज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी का दिन है। आज मैंने तुझे पाया था, आज ही तुम्हारी शादी हुई थी, लेकिन न जाने क्यों आज का दिन शेखर भी भूल गया और तुम भी भूल गई। लो ये पहन लो।
अखंड सौभाग्यवती भवा, पुत्रवती भवा, आयुष्मान भवा, सकलेश्वर्या सिद्धिरस्तु। माँ जी ने भेजा है। जुग जुग जी। ए क्या हुआ? औरतों के लिए ऐसा नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? शेखर, भगवान ने मुझे बहुत सारे सुख दिए हैं, लेकिन मेरा सबसे बड़ा सुख तुम हो। तुम्हारी बाहों में, तुम्हारी नजरों के सामने मैं इस दुनिया से जा सकूं, बस यही मेरी सबसे बड़ी प्रार्थना है। और मेरा क्या होगा जी? नहीं साहब, हम तो साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। अंजू, सुना तुमने? माँ जा रही है, वो आज ही चली जाएंगी, अब क्या होगा? ठीक है, अच्छा ही हुआ, अब तो तुम भी जा सकती हो। आज ही चली जाना। चली बेटी, इतनी जल्दी? हाँ, गाड़ी का समय हो गया है। सच कहती हूँ, बस सुख और शांति लेकर तेरे घर से जा रही हूँ। भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि तुम दोनों इसी तरह हंसते खेलते जीवन बिताओ। तुम लोग के हंसने खेलने में, लड़ने झगड़ने में मुझे अपने जीवन का खोया हुआ सुख वापस मिल गया। मैंने बहुत कम उम्र में उन्हें खो दिया था। पति का ना होना एक औरत के लिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है, ये वही जानती है जिसने खोया हो। माँ, मुझे नहीं मालूम था आपके मन में भी कोई दुख है। दिन रात एक चिता से चलती थी, लेकिन तुम दोनों को देखकर मुझे शांति मिली, पूर्ण शांति। तो फिर आप जाती क्यों हैं? हमारे पास रहिए ना। मैं तो तीर्थ यात्रा को जा रही थी बेटी, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरा सबसे बड़ा तीर्थ तो यहां पर है, तुम लोगों के पास। तेरे छोटे से संसार में आकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं स्वर्ग में हूं। भला कोई स्वर्ग छोड़कर भी जा सकता है? लेकिन क्या करूं, कोई उपाय नहीं। अच्छा, मैं चलती हूं। मां, अरे तू रो क्यों रही हो? बोलती क्यों नहीं, क्यों रो रही हो? माँ, आप मत जाइए, आप मत जाइए। माँ, आप चली जाएंगी तो मुझे भी जाना पड़ेगा। मैं भी यहां दो दिन की मेहमान बनकर आई थी। मेहमान? अपने घर में मेहमान बनकर? हाँ माँ, मैं आपकी बहू बनकर नहीं, बहू की एक्टिंग करने आई थी। आप मत जाइए, आप यहां से चली जाएंगी तो मुझे भी जाना पड़ेगा। थोड़ी देर पहले शेखर भी यही कह रहा था। माँ तुम मत जाओ, तुम जाओगी तो अंजू भी चली जाएगी। वो कह रहे थे? हाँ बेटी, मैंने देख लिया, न तो तुम उसके बगैर रह सकती हो, न वो तुम्हारे बगैर रह सकता है।
शेखर तुम यहाँ एक्टिंग करने के लिए आई हो भाई, ये इतने नजदीक आने की कोई जरूरत नहीं। अलग हटो, अलग अलग अलग। नहीं हटूंगी, देखती हूँ तुम क्या कर लेते। काय को हट रही है बच्चू, राधे किशन बनकर खड़ी रहो, करो एक्टिंग, करो करो। अंजू ये कौन है? मेरी दुश्मन रत्ना। तो ये है रत्ना? जीती रहो। आप इसे जानती हैं? क्यों नहीं, सारा किया जरा इसी का है, इसी ने चिट्ठी लिखकर मुझे सब कुछ बताया, इसी के कहने पर तो मैं यहाँ आई हूँ। माँ तो आपको सब कुछ मालूम था? माँ तुमने पहले मुझे कभी नहीं बताया। अगर बता देती तो ये सब नाटक देखने कहाँ मिलता। अब माँ ये अंजू अगर अभिनेत्री है ना तो आप महान अभिनेत्री। बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक किस बात की प्रोफेसर साहब? अरे भाई तुमने कहा था ना बहू को बच्चा होने वाला, मैं समझा हो गया होगा, ये लो। वो मैंने गुस्से में कहा था। अजीब बेवकूफ आदमी हो, गुस्से में कहीं बच्चा पैदा होता है? तुम हर फार्मा में गड़बड़ कर देते हो। अच्छा हाँ शेखर, अपने स्टाफ में जरूर किसी को बच्चा हुआ है। किसको? मदन को। अब मदन की शादी नहीं हुई अभी तक। उसे शादी नहीं की तो रमेश को, और अगर उसके में कुछ नहीं हुआ ये फूल वापस कर दूंगा। मुंह तो मीठा करते हैं। हाँ आइए जरूर आइए।